अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट मैथमेटिशियन आई एम योर टीचर फिदार अहमद स्टूडेंट्स आज हम नंबर थ्री का एक नया कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर वन है इसमें बेसिक टर्म्स ऑफ नंबर थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे तो पहले जो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स के बारे में डिस्कस करेंगे इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं ना इनमें डेसिमल होता है ना फ्रैक्शन होती है ना अंडर रूट होता है मीन्स डेट के ऐसे नंबर्स जो एक प्रॉपर फॉर्म की शक्ल में लिखे जाएँ यानी अगर आप रियल लाइन पर बात करते हैं रियल लाइन के ऊपर हमारे पास जीरो और इसी तरह नेगेटिव साइड पर अगर जाएं तो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री अपू सो ऑन इसका सेट यहाँ पर लिखा हुआ है सेट इसको कैसे लिखा जा सकता है सेट ऑफ इंटीजर को यानी सेट की शक्ल में अगर नंबर्स को लिखा जाए तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं जीरो वन टू थ्री और अदर साइड माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री सो ऑन ठीक है तो इसी सेट का एक सबसेट की बात करते हैं पॉजिटिव इंटीजर द इंटीजर इन विच एक्स ग्रेटर देन जीरो मींस डैट इसी सेट में से अगर हम कुछ नंबर ऐसे उठा लें जो जीरो से बड़े हों वो सेट नंबर क्या हो सकते हैं वो नंबर ये हो सकते हैं वन टू थ्री अप टू सो ऑन ठीक है तो इन नंबर्स को सेट की शक्ल में अगर लिखें तो वन टू थ्री अप टू सो ऑन ये एक सबसेट की शक्ल बन जाएगी जो सबसेट किसका होगा सेट ऑफ इंटीजर का सबसेट होगा इसी तरह नेगेटिव इंटीजर्स की अगर बात करें ऐसे इंटीजर इन विच द एक्स लेस देन जीरो के ऐसे नंबर इस सेट ऑफ इंटीजर में से माइनस टू माइनस थ्री माइनस माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री अप टू सो ऑन इन सेट सेट को हम क्या बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर्स अब इनमें आपको डिफरेंस क्रिएट करना है पॉजिटिव इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव इसमें आपको फर्क वाज पता होना चाहिए कि पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर हम नाम लेंगे तो उसमें वन टू थ्री अप टू सॉवन यानी पॉजिटिव नंबर आएंगे एक्सेप्ट द जीरो यानी ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू जीरो नेगेटिव इंटीजर्स की अगर बात करेंगे तो नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे जिसमें माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री सेट ऑफ इंटीजर्स का वो पार्ट जो नेगेटिव होगा जीरो के अलावा ठीक है इसी तरह नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ऐसे नंबर होते हैं यानी होते तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं लेकिन इसमें एक एलिमेंट नया आ जाता है जिसको हम जीरो कहते हैं यानी इसमें क्या होगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ऐसे इंटीजर्स जो एक, जिसमें एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो यानी जीरो वन टू अपू सो ऑन नॉन पॉजिटिव इंटीजर यानी नेगेटिव इंटीजर्स होंगे जिसमें एक नया एलिमेंट आ जाएगा उस एलिमेंट को हम जीरो कहेंगे जिसमें यानी यहाँ पर देखिए तो माइनस वन था एक नया एलिमेंट आ गया जीरो

अदर देन हम एक नई टर्म पर बात करते हैं वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल ये चीज़ें आपने पहले पढ़ी थी वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल ये एक ऐसा प्रिंसिपल है इस प्रिंसिपल की बेस पर बहुत से थ्योरम सॉल्व होते हैं इसकी स्टेटमेंट की बेस पर स्टेटमेंट ये कहती है डब्ल्यू ओ पी इसका जो ऑब्रीवेशन है इसको हम क्या कहते हैं डब्ल्यू ओ पी शॉर्ट फॉर्म में इसको हम क्या कहते हैं डब्ल्यू ओ पी वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल ठीक है तो इस प्रिंसिपल में ये कहता है कि लेट एस द नॉन सेट ऑफ द नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी एस एक नॉन नॉन सेट है ऑफ द नेगेटिव इंटीजर यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर का एक सेट है जो नॉन एम्पटी होगा यानी कोई ऐसा एलिमेंट उसमें नहीं यानी उसमें जो सबसेट की अगर बात करें नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का वो नॉन एम्पटी होगा ठीक है देन एस कंटेन एटलीस्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट यानी ये स्टेटमेंट भी ये कह रहा है कि एक ऐसा सेट नॉन नेगेटिव इंटीजर का कोई भी सबसेट अगर हम लें नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ द नॉन नेगेटिव देन एस कंटेन एस ऑलवेज कंटेन अ स्मॉलेस्ट एलिमेंट यानी एस में हमेशा कोई छोटे से छोटा एलिमेंट जरूर होगा हमें जरूर मिल जाएगा एक ऐसा एलिमेंट जो सबसे छोटा होगा उस सेट के अंदर इवन इंटीजर्स की अगर बात करें तो सेट ऑफ इवन इन टीचर सेट टू बी इवन

Z Z है Z में से आप M को उठा रहे हैं और एक नया सेट बना रहे हैं तो इसका रिलेशन जो है वो टू के मल्टीपल्स की शक्ल में एन इज इक्व टू एम आगे ऑर्ड इंटीजर्स की अगर बात करें तो ये सेट हमारे पास इसका रिलेशन कैसे हो सकता है इंटीजर एन इज सेट टू एम प्लस वन द एम बिलोंग टू सेट की उस तरह फॉर्म क्या हो सकती है माइनस थ्री माइनस वन वन थ्री और दोनों साइड पर हमारे पास डॉट 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 चलता जाएगा अब इस सेट में एलिमेंट किस तरह के हो सकते हैं ये भी हम जो एम उठा रहे हैं एम के एलिमेंट्स हम ले रहे हैं वो भी सेट ऑफ इंटीजर्स में से हम ले रहे हैं और इसमें पुट करते जा रहे हैं और एक नया रिलेशन के जरिए हमारे पास एक नया सेट बनेगा उस सेट को हम नाम देंगे सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स का टू पुट करते हैं तो फाइव आएगा, तो आएगा, तो आएगा और इसी तरह माइनस वन पुट करते हैं तो आ, हमारे पास माइनस वन आएगा ठीक है माइनस वन पुट करने से माइनस वन आएगा माइनस टू पुट करने से माइनस थ्री आएगा ठीक है क्लियर अब यहाँ से नेक्स्ट आगे डिवीजन एल्गोरिथम पर अगर बात करें तो डिवीजन एल्गोरिथम एक ऐसी टर्म है जिसको हम पहले पांचवीं छठी फिफ्थ स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड्स में हम पढ़ते आ रहे थे जब डिवीजन स्टार्ट करते हैं तो उसी में हम यहाँ पर काम करते हैं अब इसकी स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं लेट ए एंड बी बी टू इन सच सच बी इज नॉन जीरो देन इंटीजर क्यू एंड आर सच ए इज इक्वल टू बी क्यू क्यू बी प्लस आर और आर पर कंडीशन ये है कि या तो ये जीरो हो जाएगा या जीरो से बड़ा और बी से बी के मॉडल से छोटा होगा ठीक है ये आप को अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्योंकि आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं मैं कह रहा हूँ जीरो से बड़ा या इक्वल होगा और बी से छोटा होगा बी मॉडल से छोटा होगा अब इसको हम लिखते कैसे हैं देखो जब भी हम डिवीजन करते हैं तो एक नॉन जीरो जरूर होता है जिस पर हम जिसको हम डिवाइड जो हमारा डिवाइजर होता है वो हमेशा नॉन जीरो होता है तो ये देखिये यहाँ पर नॉन जीरो इंटीजर बी है और एक ए पर कंडीशन कोई भी है या तो ये नॉन जीरो हो जाए या फिर ये जीरो भी हो सकता है तो इस पर कोई नहीं है यहां पर देखें तो बी है एक हमें इंटीजर जरूर मिल जाएगा इंटीजर जिस पर हम मल्टीप्लाई कराएं तो बी से हमेशा छोटा या इक्वल आएगा बी क्यू बी क्यू हमेशा बी से छोटा ए ए से छोटा बी क्यू हमेशा ए से छोटा होगा हमेशा बी क्यू या फिर इक्वल अगर इक्वल होगा तो हमेशा आर जीरो आ जाएगा तो यहाँ पर देखें तो ए बी क्यू से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी क्यू डिवाइड बाई आर तो यहां से हमेशा डिवीजन में माइनस करते हैं तो ए ए पर इक्वेशन क्या बनेगी ए बी क्यू इक्वल टू आर नेक्स्ट अगले स्टेप में यहाँ माइनस बी क्यू दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस क्यू बी प्लस आर आ जाएगा तो ये रिलेशन हमारे पास एल्गोरिथम में बनता है यानी एक इंटीजर जो नॉन जीरो इंटीजर है या जीरो भी हो सकता है उसको हम आ, दो इंटीजर्स के प्रोडक्ट में और एक के सम में हम लिख सकते हैं यहाँ पर अगर आर हमारे पास जीरो हो जाए तो हम उस कंडीशन को डिविजिबिलिटी कहते हैं यानी हमारा जो एक इंटीजर है वो दूसरे इंटीजर को डिवाइड कर रहा है अगले स्टेप में नेक्स्ट एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें तो ट्वेल्व और फाइव है तो फाइव हमारे पास बी है तो बी से हम डिवाइड करते हैं ए को तो ट्वेल्व को अगर आप अंदर रखें डिवीजन के और फाइव पर करें तो फाइव टू जन और नेक्स्ट आगे टू रिमाइंडर आ रहा है तो क्या मतलब है कि 12 को हम कैसे लिख सकते हैं फाइव और टू और प्लस सेवन की शक्ल में यहाँ पर टू आएगा 5 के साथ ऊपर क्या आएगा मल्टीपल होगा क्लियर तो 2, 5 10, प्लस 2, तो आप इसको आ, बी को हम क्या लिख सकते हैं यानी ए ए को हम क्या लिख सकते हैं इज टू इसी फॉर्म में हम लिख सकते हैं ना तो डिवीजन एल्गोरिथम ये कहता है कि आप किसी भी नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो इस फॉर्म की इस तरह की फॉर्म आपके पास बनती है नंबर्स की ठीक है इंटीजर्स की सॉरी नंबर्स नहीं कहेंगे हम हमेशा इंटीजर्स पे बात करेंगे नंबर थ्योरी के अंदर हम इंटीजर्स पे बात करेंगे अच्छा आगे देखें तो डिविजिबिलिटी लेट ए एंड बी बी टू डिविजिबल टू इंटीजर्स विद बी इज नॉन जीरो इफ द बी डिवाइड्स देन इंटीजर सी सच दैट ए इज इक्वल्स टू बी सी यानी अगर बी ए को डिवाइड करता है तो हम ए को बी के मल्टीपल में लिख सकते हैं मल्टीपल ऑफ बी ठीक है ए इज द मल्टीपल ऑफ बी ए को बी के मल्टीपल में हम लिख सकते हैं तो इसका मतलब यही है एक्चुअल में यही डेफिनेशन आपने यूज की यहाँ पर डिविजिबिलिटी तब होगी जब आपका रिमाइंडर यहां पर जीरो आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सिक्सटीन और फोर हो तो फोर फोर जाए सिक्सटीन नीचे रिमाइंडर आ जाएगा जीरो यानी आप सिक्सटीन को लिख सकते हैं फोर इंटू फोर यहाँ पर सी यूज किया है हमने यहाँ क्यू यूज किया है तो आप डिफरेंट है यहाँ पर क्यू भी यूज कर सकते हैं आपकी मर्जी आप कोई भी नाम देना चाहें जो भी नाम दे सकते हैं ए बी सी में से तो उसने कहा ए बी दो इंटीजर्स हैं जिसमें एक नॉन जीरो जो डिवाइजर है वो नॉन ज़ीरो होगा बी डिवाइड ए हमेशा डिवाइजर नॉन जीरो होगा बी डिवाइड्स ए इफ द देर एग्जिस्ट इस साइन को देर एग्जिस्ट कहते हैं एन इंटीजर सी एक इंटीजर सी हमें मिलेगा जिसको हम बी के मल्टीपल में लिख सकते हैं इसका मतलब है जो बी है बी है वो ए को क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है इसी तरह जो c जो है एक इंटीजर जो c मिलेगा वो भी a को डिवाइड करेगा देखें उसी कंडीशन को अगर आप यूज करें तो आप कह सकते हैं कि इंटीजर बी सी है या फिर सी बी है तो आप दोनों को लिख सकते हैं ना जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिक्सटीन की बात करें या फिर सिक्सटीन की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं फोर इंटू फोर ठीक है सिक्सटीन की अगर बात करें तो हम कह सकते हैं ना यहाँ पर फोर इंटू फोर या फिर हम थर्टी की बात करें तो हम कहेंगे थ्री थ्री इंटू टू इंटू फाइव तो थ्री हमारे पास मल्टीपल आते हैं तो इसका मतलब है ये थ्री भी डिवाइड रहा है थर्टी को टू भी डिवाइड कर रहा है और फाइव भी डिवाइड रहा है ठीक है तो इस तरह अगर किसी इंटीजर्स के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो सारे मल्टीपल्स उस इंटीजर को क्या कर रहे होंगे डिवाइड कर रहे होंगे एक से ज़्यादा मल्टीपल भी हो सकते हैं ठीक है इन दैट केस बी इज द डिवाइजर ऑफ ए और अ फैक्टर ऑफ ए अगर कोई डिवाइड uh, करता है तो उसे हम डिवाइजर भी कहते हैं या फिर हम उसे फैक्टर भी बोलते हैं वो फैक्टर भी होता है क्योंकि आप उसके मल्टीपल में आप उसको लिख सकते हैं फैक्टर ही आप उसको कह सकते हैं यानी ए के फैक्टर ही बन रहे होते हैं ना प्राइम फैक्टराइजेशन को अगर आप देखें तो ए इज कॉल्ड द मल्टीपल ऑफ बी वही ना कि थर्टी जो है वो टू इज द मल्टीपल ऑफ थर्टी यानी थर्टी का मल्टीपल है ठीक है अच्छा नेक्स्ट आगे अगर आप देखें तो एग्जाम्पल के तौर पर टू डिवाइड फोर ए इज इक्व टू सिक्स एंड बी इज इक्वस टू टू यहां पर क्या होगा टू डिवाइड करेगा सिक्स को क्यों क्योंकि सिक्स को हम लिख सकते हैं थ्री इंटू टू ये कैसे आपको पता चलेगा ये जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ये जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे उसमें ये होगा जब आप सिक्स की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो थ्री थ्री इंटू टू और टू इंटू वन तो इससे आपको पता चलेगा कि दो इंटीजर ऐसे हैं थ्री और टू यहां पर क्या है थ्री भी टू सिक्स को डिवाइड करता है और टू भी सिक्स को डिवाइड करता है तो ये हमें कैसे पता चला प्राइम फैक्टराइजेशन से अच्छा जी नेक्स्ट आगे अगर देखेंगे देर एग्जिस्ट देर डज नॉट एग्जिस्ट इंटीजर सी तो हम यहाँ पर अगर कोई इंटीजर सी हमारे पास कोई एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर हम कहेंगे कि वो जो इंटीजर बी है वो डज नॉट डिवाइड तो डज not डिवाइड के लिए हम जो नोटेशन यूज़ करते हैं वो ऐसे लाइन लगा कर सीधी लाइन लगा कर ऐसे हम क्रॉस की शक्ल बना देते हैं क्लियर नेक्स्ट आगे जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं इसको हम नेक्स्ट uh, लेक्चर में देखेंगे इसकी हम साथ प्रूफ भी देखेंगे और आगे एक डेफिनेशन है कॉमन डिवाइजर की कॉमन डिवाइजर ऐसा एक ऐसी टर्म है जिसमें क्या होगा कि दो इंटीजर ऐसे जिनको हम डिवाइड कर रहे हैं दो ऐसे हैं इंटीजर एटलीस्ट वन ऑफ नॉन जीरो दो ऐसे इंटीजर होंगे जिनमें एक नॉन जीरो होगा हमें एक इंटीजर सी मिलेगा जो दोनों को डिवाइड करेगा जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो फोर इज अ कॉमन डिवाइजर ऑफ एट ये हमें कैसे पता चलेगा जब हम एट और ट्वेल्व की प्राइम फैक्ट्राइजेशन करेंगे तो प्राइम फैक्ट्राइजेशन से एट को हम लिख सकते हैं टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू एंड ट्वेल्व को हम लिख सकते हैं टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई थ्री तो अब इसमें जो कॉमन हमारे पास आएगा एक टू और दो दो दफा टू आएगा तो टू टूर फोर यहाँ से हमें पता चलेगा कि फोर जो है कैसा नंबर है एक ऐसा इंटीजर है जो एट और ट्वेल्व को डिवाइड करता है अब यहाँ पर आपने ये देखना है कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आप चेक करें तो हमने क्या कहा है कि दो ऐसे इंटीजर हैं एक नॉन ज़ीरो है और एक हमारे पास आ, कोई भी एटलीस्ट नॉन ज़ीरो हो सकता है यानी दो एक नॉन ज़ीरो लाजमी है एक ज़ीरो हो सकता है दो ज़ीरो दो नॉन ज़ीरो भी हो सकते हैं एक लाजमी हमारे पास नॉन ज़ीरो होना चाहिए एक ज़ीरो भी हो सकता है ठीक है एक इंटीजर हमारे पास ज़रूर एग्जिस्ट करता है सी जो ए बी का कॉमन डिवाइजर होगा कंडीशन उस पर है कि वो सी को एक ए को भी डिवाइड करना चाहिए और सी को बी को भी डिवाइड करना चाहिए एंड का क्या मतलब है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए यहाँ पर देखें तो फोर कॉमन डिवाइजर है क्यों क्योंकि वो एट को भी डिवाइड करेगा और ट्वेल्व को भी अगर आप चेक कर लें एट को आप डिवीजन के अंदर रखें और फोर पे डिवाइड करें तो फोर टू जार एट हम कर सकते हैं इसी तरह ट्वेल्व तो को चेक करें तो ट्वेल्व फोर थ्री जार ट्वेल्व तो आप देख सकते हैं कि फोर ट्वेल्व को भी कर रहा है और एट को भी डिवाइड करें तो फोर इज अ कॉमन डिवाइजर ऑफ एट एंड 12 ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनको हम नेक्स्ट किसी लेक्चर में इनका प्रूफ देखेंगे और साथ इनकी बेसिक टर्म्स को भी हम डिस्कस कर लेंगे आज का जो हमारा लेक्चर है यहाँ पर एंड होता है डेट्स द एंड अच्छा इस लेक्चर के अंदर हमने बेसिक इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर उसकी टर्म्स टर्म्स के बारे में हम डिस्कस किया नेगेटिव इंटीजर्स नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव वेल ऑर्डरिंग डब्ल्यू ओपी वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल इवन ऑन ऑर्ड इंटीजर डिवीजन एल्गोरिथम एंड डिविजिबिलिटी डिविजिबिलिटी की जो आगे प्रॉपर्टीज़ हैं वो नेक्स्ट पेंडिंग अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे और कॉमन डिवाइजर जो हमने आज देखा कि दो किसी भी दो इंटीजर्स का कॉमन डिवाइजर तब होगा जब वो दोनों को डिवाइड करेगा ठीक है डेट्स एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट आगे इसका लेक्चर टू भी हम लेक्चर टू के अंदर हम बात करेंगे आर्कमीडियन प्रॉपर्टी के बारे में जिसका डब्ल्यू से प्रूव होगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन को जरूर दबाएं प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है वहां से आप जाकर देख सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें